सब्सक्राइब कीजिए मूवी स्टॉक को और बेल आइकन दबाए ताकि इससे रिलेटेड कोई भी डिटेल्स आप मिस ना कर सके। हेलो फ्रेंड्स, तो हम आज बात करने वाले हैं कुछ मूवीज के अपडेट्स के बारे में। तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला अपडेट है अवतार मूवी का, जिस पर डायरेक्टर ने ये कहा है कि अगर अवतार फिल्म का सेकेंड पार्ट फ्लॉप हो जाता है तो वो इस फिल्म के बाकी पार्ट्स नहीं बनाएंगे। हालांकि हमें अवतार 2 के बाद अवतार 3 देखने मिलेगी, क्योंकि डायरेक्टर ने ये भी फाइनल कर दिया है कि वो इस फिल्म को बैक टू बैक शूट करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद हमें अवतार 4 और 5 देखने नहीं मिलेगी। ये बात ऑफिशियली जेम्स कैमरॉन ने कन्फर्म की है कि अगर अवतार का सेकेंड पार्ट बॉक्स ऑफिस पर नहीं चलेगा जितना वो चाहते हैं तो वो इस मूवी की सीरीज को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अवतार एक बेस्ट फिल्म थी और अभी भी इसके फैंस काफी हैं जो इसके सीक्वल का वेट कर रहे हैं। तो आपकी क्या राय है अवतार को लेकर, मुझे कमेंट कर जरूर बताएं। और वही बात करें दूसरी अपडेट की, तो वो है मास्टर एंड कमांडर। वेल, जिन्हें नहीं पता तो मैं उन्हें याद दिला दूं, ये फिल्म आई थी 2003 में और इस फिल्म के लीड रोल में थे रसल क्रो, साथ ही साथ एक और एक्टर थे पॉल बेटनी जो रोल करते हैं विजन का। वेल, तो इस फिल्म को लेकर अपडेट ये आया है कि हमारे रसल क्रो ने ये कंफर्म कर दिया है कि इस फिल्म का सीक्वल जरूर आएगा और जल्द ही वो इसके सीक्वल पर काम स्टार्ट कर देंगे। तो काफी लेट आ रहा है इस फिल्म का सेकंड पार्ट, लेकिन जो भी हो ये फिल्म काफी अच्छी थी और तो इस फिल्म को देखने में भी काफी मजा आया था। तो आई होप कि वो लोग इस फिल्म के सेकंड पार्ट पर जल्दी काम स्टार्ट कर देंगे। और वही बात करें वेनम मूवी की, तो ये कंफर्म हो गया है कि हमें इस फिल्म में वेनम का पूरा सूट सीजीआई का दिखाया जाएगा, साथ ही साथ कार्नेज का भी सूट हमें फुल सीजीआई का नजर आएगा। तो आई होप कि वो लोग स्पाइडरमैन 3 की तरह उसका कॉस्ट्यूम ना बना दे। और बात करें इस फिल्म के एक्टर टॉम हार्डी के बारे में, तो वो इस फिल्म के लिए काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, जिसकी एक क्लिप भी है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, तो आप जाकर वो वीडियो देख सकते हैं। और बात करें गैम्बिट मूवी की, तो गैम्बिट को उसकी सपोर्टिंग एक्ट्रेस मिल चुकी है और वो है लीजी कैप्लान। वेल, ये इस फिल्म में कन्फर्म है हमारे गैम्बिट के साथ में और वो इस फिल्म में बेला डोना का रोल करने वाली है जो मूवी में गैम्बिट की लव इंटरेस्ट है और वो एक म्यूटेंट भी है। और बात करें ग्रीन लैंटर्न की, तो कुछ रूमर्स ये आ रही है कि रिकी वाइटली को जॉन स्टुअर्ट के रोल के लिए अप्रोच किया जा रहा है, तो एक हिसाब से वो इस रोल के लिए काफी परफेक्ट है। तो आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि वो सच में ग्रीन लैंटर्न लग रहे हैं या नहीं। मेरे हिसाब से तो वो बिल्कुल परफेक्ट लगेंगे इस रोल में, अब ये उनके ऊपर है कि वो इस फिल्म में काम करेंगे या नहीं। और वही बात करें बैट गर्ल की, जिसे लेकर कुछ रूमर्स ये आ रहे थे कि इस फिल्म को डायरेक्ट जॉश वेडन नहीं करने वाले, लेकिन अब खबर ये आई है कि वो इस फिल्म को डायरेक्ट जरूर करेंगे, क्योंकि वो इस फिल्म की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे हैं। तो ये कंफर्म है कि वो इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले हैं। क्योंकि बात करें जस्टिस ली की, तो वो फिल्म उन्हें पूरी नहीं दी गई थी डायरेक्ट करने के लिए, तो ये गलत होगा कि अभी से हम उन्हें जज करें। तो देखते हैं वो बैड गर्ल फिल्म कैसे बनाएंगे। और बात करें सुसाइड स्क्वाड की, तो डेविड हैरिस ने ये बड़ा खुलासा किया है कि वो सुसाइड स्क्वाड मूवी में मेन विलन सिर्फ और सिर्फ जोकर को चाहते थे, लेकिन उनकी इस शर्त को माना नहीं गया, जिसके चलते मूवी फ्लॉप तो नहीं हुई लेकिन सभी लोगों ने ही ब्लेम किया। और वही बात करें जस्टिस ली को लेकर, तो इसको लेकर काफी छोटे छोटे अपडेट्स आए हैं। तो सबसे पहला अपडेट ये है कि इस फिल्म के एक्टर एक्वामैन यानी जेसन मोमोआ ने ये कहा है कि जो भी इस फिल्म को बुरा बोल रहा है वो भाड़ में जाए। उनका कहना है कि ये फिल्म काफी अच्छी बनी है, लेकिन इस फिल्म में बहुत से सीन थे जो इस फिल्म में हमें नजर नहीं आए, तो वो पूरे सीन इस फिल्म के डायरेक्टर ने फ्यूचर के लिए हटा दिए हैं। लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि एक्वामैन, शज़ाम और सुसाइड स्क्वाड जैसी मूवी से उन हेटर्स का मुंह जरूर बंद हो जाएगा। वेल, तो उनकी ये बात कितनी सच्ची है इसके बारे में हमें आगे जरूर पता चलेगा, लेकिन उनका कहना ये है कि वो इस फिल्म को काफी इंजॉय कर रहे हैं, साथ ही साथ उनके जितने भी फॉलोअर्स हैं उन्होंने भी यही कहा है इस फिल्म को लेकर। वेल, मैं भी एज अ फैन ये कहूंगा कि ये फिल्म काफी अच्छी जा रही है। और बात करें इस फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो इस फिल्म ने अब तक सिर्फ और सिर्फ 500 मिलियन ही का बिजनेस किया है, तो ये थोड़ी बुरी खबर है, लेकिन अब देखते हैं और फ्यूचर में ये फिल्म कितने तक का बिजनेस करेगी। और अगर इसकी पूरी अर्निंग मिलाई जाए जितना वॉर्नर ऑफ ब्रदर्स ने बताया है, तो वो है पूरे 650 मिलियन, जो इसकी बाकी एक्सेसरीज को मिलाकर होते हैं, जैसे कि इसके मर्चेंडाइज और ये सब को लेकर। और बात करें इस फिल्म के असली डायरेक्टर यानी जैक स्नाइडर के बारे में, तो कुछ खबर ये आई है कि वो फ्यूचर की जस्टिस ली मूवी से जरूर कनेक्टेड है और वो सीक्रेटली उस फिल्म पर भी काम कर रहे हैं, एज अ डायरेक्टर नहीं, वो शायद उस फिल्म की स्टोरी में थोड़े बहुत चेंजेस कर रहे हैं। तो अब ये खबर कितनी सच्ची है उसका तो मुझे कोई
कोई आइडिया नहीं है। वही बात करें जैक स्नाइडर के बेटे के बारे में जिनका नाम है एलिसेंड्रल, उन्होंने जस्टिस ली का एक प्रोटेस्ट निकाला है। उन्होंने कहा है कंपनी से कि वो जैक स्नाइडर कट रिलीज करे, जिसके चलते कंपनी ने उनकी ये बात भी मान ली है और शायद फ्यूचर में हमें जैक स्नाइडर का वर्जन देखने जरूर मिलेगा। लेकिन बात करें हमारे इंडिया की, तो मैंने पहले भी बताया था कि ये फिल्म हमारे इंडिया में रिलीज नहीं होगी। और अगर इस फिल्म को लेकर कोई भी अपडेट्स आएंगे जैक स्नाइडर के, तो मैं आपको जरूर बताऊंगा। और इस फिल्म को लेकर एक छोटा सा ईस्टर एग आया है, वो ईस्टर एग है ये, जिसमें नाम लिखा हुआ है चोइन रेयान का। वेल, जिन्हें नहीं पता तो मैं उन्हें बता दूं, चोइन रेयान डीसी का एक सुपर हीरो है जो कुछ इस तरीके का दिखता है। तो ये अच्छी बात है कि हमें फ्यूचर की मूवीज में ये सुपर हीरोज भी जस्टिस ली की टीम में नजर आएगा। और जस्टिस ली का आखिरी अपडेट, फाइनली सुपरमैन को उन्होंने उसकी टीम के साथ में खड़ा कर दिया है जस्टिस ली के इस पोस्टर में। हालांकि पहले ये पोस्टर कुछ इस तरीके का था, लेकिन अब ये पोस्टर सुपरमैन के साथ है, जिससे कि जस्टिस ली की ये पूरी टीम हो गई है। और साथ ही साथ ये पोस्टर इंस्पायर है रोज एलेक्स के पोस्टर से, जो कॉमिक बुक राइटर है, और उनका भी पोस्टर कुछ इसी तरीके का है। और बात करें मर्डर ऑन द ओरियंट एक्सप्रेस की, तो इस फिल्म का सेकेंड पार्ट कन्फर्म है। जी हाँ, इस फिल्म का सेकेंड पार्ट भी आएगा, इस बात को ऑफिशियली कन्फर्म कर दिया गया है। और बात करें अनचार्टेड मूवी की, तो ये फिल्म कन्फर्म है और इस फिल्म की शूटिंग 2018 तक स्टार्ट हो जाएगी। और मैंने आपको बताया था कि यंग नेथन ग्रेट के लिए टॉम हॉलिंग को कास्ट किया गया था, तो उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो डालकर ये कन्फर्म कर दिया कि वो भी इस फिल्म में नजर आने वाले हैं। उसकी भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है। और वही बात करें मल्टीपल मैन की, तो जेम्स ने ये कहा है कि वो इस फिल्म को एक अलग ही लेवल पर ले जाएंगे, जिससे कि आगे चल के वो इस कैरेक्टर को लेकर एक स्पिन ऑफ भी खेल सकते हैं। तो शायद पॉसिबल ये है कि हमें मल्टीपल मैन की सोलो मूवी भी देखने मिल सकती है। अब खबर आ रही है इस फिल्म को लेकर, जो मैंने आपको बता दी है। वेल, तो ये थे वो सारे अपडेट्स, मैं सारे नहीं कहूंगा, ये थे वो काफी अपडेट्स जो आपको बताना जरूरी था। तो आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मेरे इस वीडियो को लाइक और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। टिल देन, बाय।